नमस्कार दोस्तों, आज मैं समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो पिछले कई महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, बिहार दरोगा के लिए या जो भी और अदर वैकेंसी आएंगे, क्योंकि जिन वैकेंसीज में आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया। आप जब देखेंगे वीडियो को तो आपको ये बात खुद पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट। अगर हम इसे सेल्सियस में बोलें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसे केल्विन में बोलें तो 310 केल्विन। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ इसमें कुछ प्रोपेन भी उपस्थित होता है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है कैसी तत्व क्रिया के कारण? पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस या से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था? जॉन केपलर ने। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। जब भी लाल को हरा में देखेंगे, हरा को लाल में देखेंगे, तो इस तरह जितना भी होगा तो उसमें काला दिखाई पड़ेगा। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनता है, असंख्य प्रतिबिंब बनता है। माने एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे पर बनता है, दूसरे का फिर से पहले पर, पहले का फिर से दूसरे पर, इस तरह से लगता है वो प्रतिबिंब बनते जाता है अनंत तक। पाश्चीकरण क्रिया से दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंडक के रूप में किनका प्रयोग होता है? भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम के छड़ का। गैल्वेनाइज लोहे के चदरे किस वस्तु के परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक के कारण। क्या होता है कि लोहे या के चदरे पे जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि लोहे में जंग लगना नहीं लग पाता, जिसके कारण लोहा सुरक्षित रहता है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये दो तत्वों का यूज सर्वाधिक किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे। दाव बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाव बढ़ने पे बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। कोल गैस मुक्तता किसका मिश्रण है? कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइपलम्बिक टेट्राऑक्साइड। सनी के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का।
और फॉर्मीकरण और कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, तो चींटियों में, चींटियों में प्राकृतिक रूप से फॉर्मीकरण पाए जाते हैं। किस गैस का प्रयोग शल्यक्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है वेल्डिंग मशीन में जो हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हालांकि आविष्कार नहीं किए थे, खोज किए थे, हेनरी कैवेंडिश ने। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? नेफ्थेनेट पॉमिटेट। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। सिंधु का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। वाइन शराब की उपस्थिति रहता है एथिल अल्कोहल में। सोना का रासायनिक प्रतीत क्या है? AU, ठीक है। और चांदी का क्या है? AG। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सोना का AU और चांदी का AG। रासायनिक दृष्टि चीनी क्या होता है? सुक्रोज। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक कम हो जाएगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? तो देखिए, इसे आप ऐसे देख लीजिए, जल का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन दो होता है, ऑक्सीजन का एक अणु होता है। अब हाइड्रोजन के एक अणु का भार एक होता है, तो दो हाइड्रोजन के दोनों का भार दो हुआ, जबकि ऑक्सीजन के एक अणु का भार 16 होता है, एक अणु उसमें पाया भी जाता है जल में, तो 2/16 यानी इसको हम लोग करेंगे तो 1:8 आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1:8 और ऑक्सीजन का 8:8, इस रेशियो में ये होता है 1:8 में। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित होते हैं? मैग्नीशियम के। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? 88% तांबा और 12% टीन का। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त होता है CGM। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकिल का। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइट को बेवकूफों का सोना कहते हैं। ज़्यादातर आपको आयरन पायराइट ही ऑप्शन में मिलेगा जो सही होगा, तो आयरन पायराइट को ही ज़्यादा याद रखिए। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। गैस हॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और एल्कोहल का। पौधे सा कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल भाषा में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित लवण है समुद्र में। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। कौन सा गैस
फूलों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन गैस। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे क्रायोजेनिक ऊर्जा होगा, ताप पर। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? अल्मीनियम का चूर्ण। डालडा बनाने के लिए किया जाता है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में। टेलकॉम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। देखिए समानता, कोई भी चिप है, कंप्यूटर चिप है, आईसी चिप है, चाहे कोई भी चिप है, जनरली सब में सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लैटिनम। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। देखिए परमाणु संख्या समान है यानी उसमें समान मात्रा में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है यानी उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक जीरो न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन होता है, एक न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन होता है, फिर एक दो न्यूट्रॉन वाला भी हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। जैसे कि एक न्यूट्रॉन वाला होता है उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, जीरो वाला होता है उसको हम प्रोटोनियम बोलते हैं, जो एक वाला होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम लोग डी से दिखाते हैं, D2O। आपने सुना होगा भारी जल, ठीक है, भारी जल क्या होता है? तो भारी जल भी हाइड्रोजन का ही जल होता है, लेकिन वो ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसके परमाणु में एक न्यूट्रॉन उपस्थित है। समानता जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन D2O वाले जो होते हैं जल, उसमें ऐसा हाइड्रोजन पाया जाता है जिसमें एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो जब उसका ऑक्साइड बनता है यानी D2O बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं भारी जल। तो इसी तरह के तत्व कहलाते हैं समस्थानिक, जिसमें समान प्रोटॉन हो, समान इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन क्रिया कैसे करता है? तो मेढक पानी में रहता है तो अपना श्वसन क्रिया त्वचा से करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से लेकर 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित होता है? तो शरीर में एक हिपेरिन नाम का एक रसायन होता है जो शरीर के अंदर खून को जमने से बचाता है। अगर शरीर के अंदर खून का क्लॉटिंग हो जाए, खून जम जाए तो क्या होगा? जो हम लोग का खून पूरे शरीर में घूमता है, ठीक है, वो रक्त का परिसंचरण नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर के सभी अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण शरीर धीमे धीमे मरना शुरू हो जाएगा और शरीर के अंग सब बर्बाद हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 7 से जब पीएच मान ऊपर जाता है तो वो कैसा होता है? क्षारीय। वो बेस या क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यानी कि रक्त भी कैसा, किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। मनुष्य में साधारणता श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं उपस्थित होते हैं अग्नाशय में। देखिए लैंगरहैंस का जो द्वीप है वो एक तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जो अग्नाशय पे उपस्थित होता है, अग्नाशय पे रहता है। किस हार्मोन्स के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाव बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन के कारण।
मादा जनन हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल, ये सब मादा जनन हार्मोन हैं। सांप के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो सांप के काटने से दो कारण से मृत्यु होता है, एक तो कि जो हम लोग का खून होता है वो जम जाता है, मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, एक तो ऐसे मृत्यु होता है। दूसरा होता है हमारा तंत्रिका तंत्र है वो सांप का जो है उसको ही बर्बाद कर देता है, उसको ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आरबीसी के नष्ट होने के कारण या तो फिर तंत्रिका तंत्र के कार्य न कर पाने के कारण हम लोग का मृत्यु होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र भी काम नहीं करेगा तो शरीर का बहुत सा जो क्रिया है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है वो सब काम करना बंद कर देगा, हम लोग का मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। और खून का अगर परिसंचरण नहीं हुआ शरीर में तो भी क्या हुआ, शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो भी हम लोग का शरीर काम करना बंद कर देगा। तो इन्हीं दो कारणों से मुख्यतः सांप के काटने से आदमी का मृत्यु होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। प्रागन का निर्माण कहाँ होता है? प्राकोष में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। हरगोविंद खुराना के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अनुवांशिक कोड के कारण। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन कहता है? जाइलम। जाइलम का कार्य पेड़ों में जल का परिवहन है। पेड़ों में दो तरह का परिवहन तंत्र पाया जाता है, जाइलम का एक फ्लोएम का। अब फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम बने हुए खानों को पौधे के सभी भागों तक पहुँचाता है, जाइलम जल को सभी भागों तक पहुँचाता है, फ्लोएम जो खाना तैयार हो जाता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो अंकुरण के लिए हवा, पानी, अनुकूल ताप, इसका होना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीली और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट या खमीर के मिलाने से जो रोटी होता है थोड़ा लचीला और कोमल होता है, मुलायम होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है कहला कौन सा है? क्लोरेला। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? निस्मेनिया नाम का प्रोटोजोआ के कारण कालाजार नाम का बीमारी होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कई नामों से जानते हैं। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, तो जीभ का जो अग्र भाग है, आगे वाला भाग है, वो मीठा स्वाद बताता है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त का। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन दोनों में एक अपवाद है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, नॉर्मल बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त और बाकी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लेकिन फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में मामला उल्टा पड़ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नॉर्मली देखिए धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएँ जिसमें मानव अंग की विकसित विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं? स्टेम सेल। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर स्थित रहते हैं, किस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है? इस श्रृंखला का प्रारंभ में कौन है? तो प्रारंभ में हरा पौधा रहेगा, क्योंकि हरा पौधा उसी को तो शाकाहारी जीव खाएगा।
शाकाहारी जीव फल पौधा खाएगा तो फिर शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाएगा, उसे कोई दूसरा मांसाहारी जीव खाएगा। समानता घेंगा की बीमारी में गर्दन फूल जाता है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण। ठीक है, थायराइड ग्रंथि और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, ठीक है, और जिसके कारण गर्दन फूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घेंगा या गोटाइज रोग, इसके भी कई नाम है। ब्रिक को क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो ब्रिक का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है, ठीक है, नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं जो होती है वो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई होती है। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? तो त्वचा के नीचे। लकड़ी का पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? चारकोल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के कारण। आईएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो बंदर के नाम पर। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। भोजन में लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो भोजन में लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। क्यों? तो जो लोहे के कारण ही खून जो आईबीसी है वो बनता है, ठीक है, लाल रक्त कोशिका है उसमें लोहा का उपस्थिति होता है, तो सही में लोहे की कमी के कारण क्या होता है कि आईबीसी का कमी हो जाता है, और आईबीसी की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया रोग। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन सी का। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्कों को क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगता है, जब एक तरफ सूर्य है एक तरफ चंद्रमा है, ठीक है, बीच में पृथ्वी आ गया, पृथ्वी बड़ा है चंद्रमा से, तो क्या कहेगा? सूर्य का जितना भी रोशनी जो चंद्रमा की ओर ज़्यादा है पृथ्वी से रोक लेगा, तो चंद्रमा पर रोशनी जाएगा ही नहीं, तो चूंकि चंद्रमा का अपना कुछ प्रकाश तो है नहीं, उस सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके चमकता है, तो पृथ्वी उसके सब रोशनी को ही रोक लिया है, तो चंद्रमा पर जब रोशनी पहुँच ही नहीं पाया तो दिखेगा ही नहीं हम लोग को, तो उसे हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। परमाणु के नाभिक में मुक्ता रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो कक्षा में चक्कर लगाते हुए। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में सबसे बीच में हरा रंग होता है, बैजानी, बैगनी, जामुनी, नीला, तीन इधर हो गया, बीच में हरा, फिर पीला, नारंगी, लाल, तो हरा बीच में आया, ठीक है, बैजानी हा पीनाला। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। उच्चतर वोल्टेज के निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाव कम करके। चंद्रमा के त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का कितना है? तो 1/4, 1/4। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाती है? सीसा में। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? उत्तर लेंस। गर्मी के दिन में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किन किन धातु का मिश्रण है?
लोहा, निकल, क्रोमियम और कार्बन का मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण की ओर। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारें पर किसका लेप रहता है? फॉस्फर का। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज किन धातुओं का मिश्रण है? तो मुख्यतः इसमें टीन और शीशा ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ तांबा होता है, लेकिन मेन टीन और शीशा ही रहेगा ऑप्शन में। आपको टीन रहेगा, तांबा रहेगा, तांबा बह सकते हैं, लेकिन टीन और शीशा को ज़्यादा इसे फोकस कीजिएगा। लेक्लांसेस सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़ तथा कार्बन के छड़ का। सूर्य गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और कुछ अन्य तत्व जो 8% के रूप में उपस्थित हैं। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के हेतु निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार से उन्हें इतना पैसा मिला था कि उन्होंने अपने नाम पे नोबेल पुरस्कार को ही शुरू कर दिया था, जो आज तक दिया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साथ ही साथ आपको साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, तो जब भी कोई चीज़ अधूरा जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जब कोई चीज़ बढ़िया से अच्छा से जलता है तो उसमें जनरली CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब भी कोई चीज़ आधा अधूरा जलेगा तो या कम हवा के साथ जलेगा, मतलब हवा की कमी में जलेगा, ऑक्सीजन की कमी में जलेगा, तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोनो मतलब एक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO केवल। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण, जिसे हम लोग यूवी रे इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है, यूवी रे लिखेगा इंग्लिश में या अल्ट्रावायलेट लिखेगा इंग्लिश में या हिंदी में। एक यंत्र AC को DC में परिवर्तित करता है तो वो क्या हो सकता है, उस यंत्र का क्या नाम हो सकता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है AC विद्युत को DC विद्युत में बदलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों के पास सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।